देखो डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, तो मैंने आपको काफ़ी बार ये टर्म यूज़ करते हुए बताई है, डिस्प्लेसमेंट मेथड नाम की कोई चीज़ होती है जिसमें ये बताते हैं कि मान लो ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर स्क्रीन है, तो इस लेंस की दो पोजीशन ऐसी बनेंगी जहाँ पर आप दो पोजीशन पे रखोगे तो स्क्रीन पे इमेज वहीं बनेगी और क्लियर इमेज बनेगी, ये हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपका ये लेंस है और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू है, तो और टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डी है, तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा, डी माइनस यू। तो यहाँ पे आप 1/f से 1/v माइनस 1/u यूज़ करेंगे, तो यहाँ से v की जगह d माइनस यू और u की जगह माइनस यू, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था वो हैंड रिटन के अंदर डिस्प्लेसमेंट मेथड में, तो यहाँ से सॉल्व करके u में क्वाड्रेटिक बनेगी, u में क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे, और अगर आप ये चाहते हैं कि u पॉजिटिव आए तो ये वाली टर्म शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो हमने एक रिजल्ट किया था कि d जो है डिस्प्लेसमेंट मेथड में वो कम से कम क्या होना चाहिए, 2f या उससे बड़ा, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसमें ये बताया हुआ है कि अगर d 4f के इक्वल है, अगर d 4f के इक्वल है तो ये जीरो हो जाएगा, तो आपके पास u की सिर्फ एक ही पोजीशन पॉसिबल है जहां पर क्या बनेगा, u की वैल्यू क्या आएगी इसमें, इसमें d की वैल्यू अगर 4f है तो u की वैल्यू क्या आएगी, d बाई टू, d बाई टू, तो d यहां पर 4f है तो u की वैल्यू क्या आएगी, 2f। तो यानी कि a की इस ऑब्जर्वेशन से मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज जो कि डी होता है वो कम से कम क्या होना चाहिए, 4f। 4f पे एक इमेज बनती है। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस ग्रेटर देन 4f है तो यू के दो रूट्स निकलेंगे, एक पॉजिटिव रूट निकलेगा और एक नेगेटिव रूट निकलेगा, तो यू के दो वैल्यूज आएंगी जिस पे क्लियर इमेज बन रही है, लेकिन कब, जब डी ग्रेटर देन 4f है, इक्वल टू 4f में एक ही बनेगी, ग्रेटर देन 4f में दो बनेंगी, तो u की दो पोजीशंस हैं। अब आगे ना u की जो दो पोजीशंस हैं इसको करते हुए वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में दूरी तो d है, अगर हम u की फर्स्ट पोजीशन लें और वहां से इमेज की दूरी निकाल दें ये आएगी, ऑब्जेक्ट की दूसरी पोजीशन लें इमेज की दूरी ये आएगी, ठीक है, तो u अगर दो u हैं तो दो v भी आ जाएंगे। तो इसके अंदर ये प्रूव किया गया है, ये आपको करना नहीं है, फॉर्मूला बुकलेट ओपन करें सीधा, ये सब प्रूफ में क्या किया हुआ बताता हूँ। यू और वी से वो क्या निकाल सकता है, वो मैग्निफिकेशन निकाल लेगा, अगर मान लो u1 है तो v1 है, u2 है तो v2 है, तो पहली मैग्निफिकेशन क्या है, v1 by u1, दूसरी मैग्निफिकेशन क्या है, v2 by u2, तो जो मैग्निफिकेशन आएगी दैट इज m1 and m2, ठीक, m1 m2, अगर मैं इनका प्रोडक्ट लूँ दैट इज v1 by u1, v2 by u2, तो यहाँ से ये v1, u2, v1, u1 ये सारी वैल्यूज पुट करके आपके पास ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट नोट करें सिर्फ, ये प्रूफ आपने नहीं करना, रिजल्ट आपको ये बताता है कि i1, i2 की वैल्यू इसमें क्या है, इमेज का साइज, अगर डिस्टेंस u1 है तो इमेज का साइज i1 है, अगर डिस्टेंस u2 है तो इमेज का साइज i2 है, तो i1, i2 जो इमेज का साइज है उसका अंडर रूट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का साइज है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में ओ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i1 i2 का मेथड एप्लीकेबल है, तो इसके अंदर सीधा आपको दो इमेज के साइज गिवन होंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड में, और सीधा आपको ऑब्जेक्ट का साइज निकालना है, तो इस तरीके से निकल सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पूरे रिजल्ट में आपने कोई डेरिवेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपने पहला फॉर्मूला ये याद करना है और दूसरा फॉर्मूला ये याद करना है, ये मैंने आपको एनसीईआरटी लास्ट लेक्चर में लिखवा दिया था कि हाउ टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड, यहां से प्रूफ है। दो ये तो मैंने लिखवा दिया था, ये मैंने आपको अब करवा दिया, ये दो जो है फॉर्मूलाज ऐसे हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड के जो हो सकता है आपको यही मार्क करने को आ जाए किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। अगर सोचो ये रिजल्ट पढ़ रखा हो तो मार्क हो जाएगा, ना पढ़ रखा हो तो सॉल्व कैसे करोगे वहां बैठ के, कौन कर रहा है वहां क्वाड्रेटिक सॉल्व, कोई ना करता क्वाड्रेटिक, समझ में आ रहा है यहां तक? तो दो रिजल्ट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको बता दिया इसमें कि अगर हॉरिजॉन्टल काटते हैं वर्टिकल काटते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है इसमें। तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल काटते हैं एफ और एफ, अगर हॉरिजॉन्टल काट के लेंस को एक सीधा एक उल्टा रखते हैं तो क्या होगा, अगर दोनों को एफ और एफ आधे आधे लेंस को ऐसे रखते हैं तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ हो जाएगी f/2।
लेकिन अगर एक सीधा एक उल्टा रखते हैं तो इसकी जो फोकल लेंथ, रिजल्टेंट फोकल लेंथ इन दिस केस इज इन्फिनिटी, या इसे अंडरलाइन कर लो प्लीज। अगर ऐसे रखते हैं तो फोकल लेंथ सीधी 1/f इज 1/f1, 1/f2 से f/2 आएगी, लेकिन अगर ऐसे रखते हैं तो एक कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग रिफ्रैक्शन ऐसी होती है, इट विल एक्ट लाइक अ प्लेन ग्लास। तो प्लीज़ इस पे नोट करें कि इन्फिनिटी इसकी फोकल लेंथ होगी, सीधा ऑब्जेक्टिव में मार्क करने को आएगा। अगर उल्टे रखे हैं सीधे रखे हैं तो क्या आंसर होगा? सीधे शॉर्टकट ही करेंगे और कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो समझ में आ रही है शॉर्टकट्स कैसे चल रहे हैं सारे के सारे? जब आप ऑब्जेक्टिव बुक करेंगे ना तो आपको इतना एफर्ट करना नहीं पड़ेगा, आपको रिजल्ट्स पता है तो आप सीधा मार्क करते जाएंगे। डेरिवेशन करनी तो रे ऑप्टिक्स में बहुत मुश्किल है पेपर के अंदर, यार कौन ही करेगा उसको सॉल्व? ठीक, इसके अंदर ये मिरर्स का केस है, ये नहीं करना हमने अभी, ये कुछ नहीं करना है इसमें आपने अभी, बस ठीक है।